हाउ मैनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन दैट पासिस थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स। तो आपको मैं इसकी थ्योरी बड़ी ही फास्ट करके रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि मेरे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं, तो आप बोलोगे सर कितनी भी लाइनें खींच दो, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है। लेकिन यहीं पर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास ये दो पॉइंट हैं, इनसे कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं, तो आप एक ही खींच पाओगे। ये नहीं है इसी के ऊपर एक और खींच के बोलो मैंने एक और खींच दी, वो लाइन तो सेम ही रहेगी। तो दो पॉइंट में दे दूं तो वो एक लाइन को फिक्स कर देते हैं, दो पॉइंट में से एक यूनिक लाइन ही पास हो सकती है। एग्जैक्टली सेम थ्योरी सर्कल के केस में क्या होगी देखते हैं। इस सर्कल को फिक्स करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, एक लाइन को फिक्स करने के लिए दो पॉइंट चाहिए। हाँ, अब आपके मन में आए कि सर अगर तीन पॉइंट हो तो तीन पॉइंट हों तो उनमें से एक सिंगल लाइन का पास होना जरूरी नहीं है, पास हो सकती है लेकिन उसी केस में होगी जब तीनों के तीनों लाइन पॉइंट कोलिनियर हो, कोलिनियर यानी कि सेम लाइन के ऊपर हो। दो पॉइंट कहीं पर भी हो एक लाइन पास हो जाए। सेम थ्योरी सर्कल में देखते हैं, अगर अपने पास एक पॉइंट है तो इससे कितने सर्कल पास हो सकते हैं, कितने भी पास करा लो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, लगे रहो ऐसे पास कराने। ठीक, अगर दो पॉइंट हो तो कितने भी पास करा लो, क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे लगे रहो ऐसे लगे रहो, इनफाइनाइट सर्कल। लेकिन जैसे ही मैं तीन पॉइंट करूंगा तो तीन पॉइंट से बन जाती है एक ट्रायंगल, और किसी भी ट्रायंगल के चारों तरफ हम एक ही सर्कल बना सकते हैं। अगर एक ट्रायंगल के चारों तरफ हम मल्टीपल सर्कल बना सकते होते ऐसे, तो उस ट्रायंगल का सर्कम रेडियस क्या होता, अलग अलग हो जाता, अलग अलग सर्कल पास होते तो। लेकिन ट्रायंगल सर्कम रेडियस यानी कि उसके बाहर वाले सर्कल का रेडियस, परित्रिज्या, ठीक है, लेकिन एक ही होता है ना। तो यानी कि किसी ट्रायंगल के बाहर से एक ही सर्कल जा सकता है, मल्टीपल नहीं जा सकते। तो एक यूनिक सर्कल खींचने के लिए तीन पॉइंट चाहिए, उन तीन पॉइंट में से एक ही सर्कल पास हो सकता है, एक खास सर्कल। ठीक है सर, अगर पॉइंट चार दे दिए तो वही वाला केस है जो लाइन के साथ हुआ था। क्या हुआ था कि तीन पॉइंट से लाइन का पास होना जरूरी नहीं है, पास हो सकती है अगर तीनों कोलिनियर हो, समरेखीय हो। ऐसे ही किन्हीं भी चार पॉइंट से सर्कल का पास होना जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई चार पॉइंट ऐसे भी हो उनसे सर्कल पास हो ही ना, लेकिन हो सकता है चार पॉइंट से एक सर्कल पास जब चारों पॉइंट कनसाइक्लिक हो, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, समवृत्तीय हो, एक वृत्त के ऊपर हो। अदरवाइज तीन पॉइंट, पांच पॉइंट से ही पास हो जाएगा, पांचों पॉइंट कनसाइक्लिक होने चाहिए एक सर्कल पर, समवृत्तीय लाइन भी पास हो जाएगी भाई, पांच पॉइंट से क्या ही दिक्कत है, बस पांचों कोलिनियर होने चाहिए। ये थ्योरी है, करो। हाउ मेनी सर्कल्स कैन पास थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट। भैया दो फिक्स पॉइंट से लाइन तो एक ही पास हो सकती है, पर सर्कल तो कितना ही पास करा लो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके जी, ए यूनिक सर्कल कैन ऑलवेज बी ड्रॉन थ्रू एक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स। अगर हमें एक यूनिक सर्कल बनाना है तो भाई साहब तीन पॉइंट चाहिए, किन्हीं भी तीन पॉइंट से एक फिक्स सर्कल गुजरता है, कौन सा, जो इन तीन पॉइंट से जो ट्रायंगल बनी है उसका सर्कम सर्कल, तीन पॉइंट। चार पॉइंट से सर्कल गुजरना जरूरी नहीं है, गुजर सकता है, एक कंडीशन है कि वो एक कंसाइक्लिक पॉइंट होने चाहिए, समवृत्तीय एक सर्कल पर होने चाहिए, फिर तो कर ही जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले भाई जो अपना टीयर टू है, बिकॉज इसी के बेस पर आपको जॉब मिलने वाली है, जो टीयर वन है वो तो क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स अब काउंट नहीं करेंगे। ऑफकोर्स उस वक्त जो हमने तैयारी करी उसके कारण हमें एडवांटेज मिलेगी, बट अब फिर से स्टार्टिंग से रेस हो गई। लेकिन अब कई बच्चे आगे हैं जिन्होंने टीयर वन में अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि उनकी तैयारी अच्छी है, वो आगे हैं, हैं? बट मार्क्स टीयर टू के काउंट करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसे आप हल्के में ना लो, और इसी कारण जो टीयर टू का बैच है वो मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूँ, ठीक है, और इसी कारण उसकी फीस मैंने इतनी कम रखी है कि किसी ने रखी भी नहीं होगी, ताकि कोई भी हेजिटेट ना करे। अब ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। जब नोटिफिकेशन आई थी एसएससी की, मैंने बोला था जो 2024 के लिए तैयारी कर रहा है मेरे फाउंडेशन बैच में तो मत एनरोल करना,
ये मान के कि मैं 2024 ही क्रैक कर दूंगा, क्योंकि अब तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो कम टाइम है, मना किया था मैंने। अब मैं बोल रहा हूँ अब राइट टाइम है, कोई भी बच्चा कहीं से भी पढ़े जिसको जो टीचर अच्छा लगता है, बट अभी राइट टाइम है कि टीयर टू आप खुद भी कर सकते हो, बट किसी की मदद लोगे तो और ज़्यादा एफिशिएंट चीज़ हो जाएगी। और जो अपने मेथड्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो इजी होंगे, ठीक है। अगर एक तो नंबर वन कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा, कभी अगर कुछ रटना पड़ा, कई बार चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मैं बताऊंगा आसान तरीका रटने का, वो फास्ट होएंगे, पेपर में आपको टाइम बचाएंगे, वो यूनिवर्सल होएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत कम चीज़ों में काम चल जाता है। उन सभी का कलेक्शन अगर आपको मिल जाता है तो आप एडवांटेज पे तो होते ही हो। आज के दिन जो बेस्ट अवेलेबल कंसेप्ट्स और मेथड्स हैं वो हैं अपने पास अपने कोर्स के अंदर, ठीक है भाई। तो वो फिलहाल है दी बेस्ट कंटेंट अवेलेबल टुडे, आज के दिन अगर किसी से तैयारी की जा सकती है, मैं ओपनली बोल सकता हूँ, कोई इसको चैलेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है भाई। तो ये कंटेंट है अपने टीयर टू बैच के अंदर, इससे आप तैयारी कर सकते हैं क्रिस्प वे में, स्पेशली रिकॉर्डेड है, ठीक है। अब मैं डिटेल नहीं बता रहा यार, मैं डिटेल में ही घुस गया, इसकी डिटेल्ड वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लेना, खत्म बात, ठीक है भाई। सो दैट्स ऑल, मैं आपको अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ ब्रो, बाय बाय, टेक केयर।